आरओ में कहां दम था, फ्लॉप नहीं डिजास्टर फिल्म है। 160 करोड़ की लागत से बनी ये फिल्म 20 करोड़ की कमाई भी कर ले तो चमत्कार माना जाएगा। हुआ क्या ऐसा जो फिल्म इतनी बुरी तरह से पिट गई। फिल्म के पहले दिन की कमाई 1.85 करोड़ थी और पहले 5 दिन में 12 करोड़। इसका मतलब क्या निकलता है कि लोग फिल्म देखने ही नहीं गए, उन्होंने फिल्म का ट्रेलर देख के ही अंदाजा लगा लिया कि फिल्म अच्छी नहीं होगी। फिल्म का ट्रेलर डिसअपॉइंट करता है। क्यों डिसअपॉइंट करता है फिल्म का ट्रेलर? अजय देवगन, तब्बू, जिमी शेरगिल जैसे अच्छे कलाकार हैं, नीरज पांडे जैसा कमाल का डायरेक्टर जिसने वेडनेसडे, धूनी, बेबी, स्पेशल 26 जैसी कमाल की फिल्म बनाई है। फिर औरों में कहां दम था, इतनी बुरी फिल्म कैसे बन गई कि हर क्रिटिक सुर में सुर मिला के बोल रहा है कि फिल्म बहुत स्लो एंड बोरिंग है। आरसी जैन इंडिया टुडे में लिखती है, इट्स नॉट रोमांटिक, इट्स नॉट फनी, इट्स नॉट सैड, व्हाट इज इट? अ 144 मिनट स्नूज फेस्ट। क्या फिल्म में एक पल भी ऐसा नहीं था जो सुकून दे सके? फिल्म इतनी बुरी क्यों बनी, उसका बस एक ही जवाब है, कमजोर स्क्रिप्ट और अजय देवगन के अंदर मुझे नहीं लगता है कि अब किरदार निभाने की भूख बाकी है। एक कलाकार नए नए किरदार ढूंढता है निभाने के लिए नई कहानी के साथ, पर अजय देवगन नहीं, वो ऑलरेडी स्टार बन चुके हैं और सालों से हैं। ये वही अजय देवगन है जिन्होंने जख्म, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, गंगाजल, अपहरण जैसी फिल्म में कमाल के मुख्तलिफ किरदार निभाए हैं। कहां गया अजय देवगन का किरदार और अच्छी स्क्रिप्ट चुनने का वो सेंस? शायद अजय देवगन ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी ही नहीं, बस शूटिंग वाले दिन सीन पढ़ा और शूट कर दिया। इंडिया में मेल फिल्म स्टार बहुत पावरफुल होता है, उनके दम पर ही फिल्म बन रही होती है। स्क्रिप्ट पर सबसे ज्यादा स्टे उनका होता है, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से भी ज्यादा। आमिर खान ने रंग दे बसंती के 17 ड्राफ्ट बनवाए थे और तब वो कहीं जाकर फिल्म के स्क्रिप्ट से सेटिस्फाई हुए और रंग दे बसंती जैसी कमाल की फिल्म बन पाई। फिल्म स्टार जो मेल लीड भी निभा रहा है उसकी मेहनत देख के को स्टार भी इंस्पायर होते हैं। मेल लीड दरअसल लीडर होता है फिल्म के कास्ट के लिए और जब लीडर ही लीड ना कर पाए तो काफिला भटकेगा ही। औरों में कहां दम था का हश्र देख के यही लगता है कि एक पॉइंट पर स्टारडम फिल्म के अंदर के कलाकार को मार देता है, तो फिल्म स्टार के अंदर मरा हुआ कलाकार क्या ही जिंदा किरदार निभा पाएगा, कहां नहीं कह पाएगा।